हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई गेस आज के वीडियो से हर लड़की रिलेट कर पाएगी, क्योंकि हमेशा हमारी एक यही प्रॉब्लम होती है। लड़कियों के पास इतने सारे कपड़े होते हैं अगर उनके घर वालों के हिसाब से देखा जाए तो, और लड़कियों के हिसाब से उनके पास कोई कपड़े नहीं होते। हर इवेंट में जाना है, फंक्शन में जाना है, ओकेजन में जाना है, कॉर्पोरेट मीटिंग अटेंड करनी है, यहाँ तक कि डेट पे जाना है, बर्थडे अटेंड करना है बेस्ट फ्रेंड का, तो भी कोई ड्रेस नहीं मिलती। पुरानी वाली को हम रिपीट नहीं करना चाहते, नई के लिए बजट अलाउ नहीं करता, या मम्मी वैसे ही नहीं देती। मेरी मम्मी तो हमेशा ये बोलती थी, कबर्ड खोल के देख इतने सारे कपड़े पड़े, कोई भी उठा करके पहन ले। मेरे साथ कॉलेज में ये बहुत बार होता था। तो मैं क्या करती थी, अगर आपका भी बजट रिस्ट्रिक्ट है या आप भी कॉलेज गोअर हो, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ ऐसी ड्रेसेस जो कि आपके बजट में फिट हो जाएंगी, लगेंगे भी बड़ी बढ़िया एकदम से, जब पहन करके जाओगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो 500 के अंडर में ये सारी की सारी ड्रेसेस है, डिफरेंट ओकेजन के लिए आप इन्हें पहन सकते हो। तो मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगी कि मेरी पर्सनल फेवरेट्स जो मैंने यहाँ पर ली है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली ड्रेस मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये डार्क ब्लू कलर में है। ये कुछ इस तरीके की प्लेन बॉडीकॉन है, ये पूरी की पूरी इस तरीके से है। बस इसकी जो ड्रेस की जान है वो है इसका ये स्टाइलिश सा नेक पीस। तो आप देख सकते हो जो इसका ये जो नेक एरिया है ये ऑफ शोल्डर है हल्का सा, तो ये इस तरीके से कुछ ऑफ शोल्डर में आता है। मैं कहीं पे पिक्चर अटैच कर दूंगी, क्योंकि ये सारी ड्रेसेस मेरी पहले पहनी हुई है, मैंने इनको एक दो बार पहन करके वॉश भी किया हुआ है। आप देख सकते हो इसमें कहीं से भी कुछ नहीं हुआ है, एकदम टस से मस नहीं हुआ है। इसका जो स्ट्रेच है वो भी काफी कंफर्टेबल है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो काफी ब्रीदेबल है, समर्स में इजीली पहन सकते हो। जो पूरा का पूरा इसका जो लुक आता है ना, वो इसके नेक से आता है। इसमें हल्का सा आपको स्टेटमेंट इयररिंग और स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस अगर पहन लेंगे तो ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा एक स्मार्ट लुक देने वाली है आपको। अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है या किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी का कुछ फंक्शन या कुछ है, तो भी आप ये ड्रेस पहन करके जा सकते हो। ये ड्रेस 339 रुपीज में मुझे ये ड्रेस पड़ी थी। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेंशन कर दूंगी प्रोडक्ट्स को। तो नेक्स्ट ड्रेस है यहाँ पे मेरे पास बॉटल ग्रीन कलर में, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की। ये भी एक प्लेन बॉडी कॉन ड्रेस है और ये यहाँ से राउंड नेक में है, या टर्टल नेक आप इसे कह सकते हो। स्लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ये कट स्लीव्स है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसका कट नहीं है, कपड़ा बहुत ही ब्रीदेबल है। अच्छा, इसमें मैं बता दूं बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। मैंने इस ड्रेस में सबसे पहले व्हाइट कलर मंगाया था, लेकिन मैं कहूंगी कि लाइट कलर्स, अगर ये वाली ड्रेस ले रहे हो तो इसमें लाइट कलर्स में मत जाना। मैंने पहले व्हाइट कलर लिया था, तो उसमें आपको अंदर कुछ भी लॉन्ड्री या अपना आप इनर वेयर्स पहनोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा ये सी थ्रू हो सकता है। बट उसके बाद जब मैंने ये वाला कलर चेंज करा करके ये ड्रेस ली, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये ड्रेस है। मैं अपने हस्बैंड के साथ में डिनर डेट पे गई थी, तो वहां पर मैंने ये ड्रेस पहनी थी। पिक्चर कहीं पे भी मैं स्क्रीन पे आपको अटैच करके दिखा दूंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा और अच्छी ड्रेस है, समर्स के लिए बहुत ये ऑसम रहने वाली है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती इस चीज के बारे में। इतनी मक्खन है जैसे कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये जो ड्रेस थी ये मुझे 260 रुपीज में पड़ी थी। यस, ये 260 में ये पूरी मुझे ड्रेस पड़ गई। अब आप बताओ 260 रुपीज में कौन सी ड्रेस आती है? नहीं आती ना, शनि बाजार में भी नहीं आएगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लो, लिंक मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट ड्रेस दिखा देती हूँ। नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास ये सी ब्लू कलर की ड्रेस। ओके, तो ये ड्रेस जो है ये सी ब्लू कलर में है, थोड़ा सा ये डिफरेंट सा कलर है रेगुलर से हट करके, और इसका जो नेक एरिया पे है ये एक शियर नेक का इस तरीके से नेक दिया हुआ है। पीछे आपको इस तरीके से जिप आपको दी हुई है कि कंफर्टेबली आप पूरा पहन सकते हो इसको। इसके नीचे बस आपको या तो आप ट्रांसपेरेंट जिसकी स्ट्रैप रहती है वैसी ब्रा पहन सकते हो, या फिर आप ट्यूब वाली ब्रा पहन सकते हो। ऑफ कोर्स ये प्लेन है, कहीं पे भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कुछ और चीज नहीं की गई है। इस तरीके की ड्रेसेस में हमेशा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रेसेस होती है ना काफी वर्सेटाइल होती है, आपको कैसे भी आप इनको बार बार स्टाइल कर सकते हो, अच्छा सा आई मेकअप करके, या फिर अच्छे से कोई स्टेटमेंट ज्वेलरी रिंग्स या बैग के साथ में। हर बार ये बहुत ही अच्छा आपको एक स्मार्ट लुक देने वाली है। ओके, तो ये वाली जो ड्रेस है सी ब्लू कलर की, ये मुझे 369 रुपीज में पड़ी, यानी कि 370 रुपए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक स्टील डील है, काफी अच्छा ये स्मार्ट पीस है।
इट्स अ मस्ट बाय। ओके तो मूव ऑन कर नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो कुछ इस बार हट करके है। अभी तक मैंने आपको बॉडीकॉन दिखाई, अब मेरे पास में ये कोऑर्ड सेट है। कोऑर्ड सेट से मेरा मतलब है कि एक ऊपर पहनने का है और एक नीचे बॉटम का है। तो ये ड्रेस जो है ये डिफरेंट है, आप इसको अलग अलग भी पेयर कर सकते हो। मैं सबसे पहले इसका बॉटम दिखा देती हूँ। बॉटम कुछ इस तरीके से है, नीचे शीयर सा आपको ये शिफॉन का कपड़ा दिख रहा होगा और ये जैसे शरारा बेसिकली होता है, फ्लेयर्ड सी ऐसे पैंट है और इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपको इलास्टिक एरिया दिया हुआ है। काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। ये मैंने वॉश भी कर लिया है, एक बार पहना भी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है इस ड्रेस में। आप इसके साथ में अगर पेयर करना चाहें तो कोई भी कंट्रास्ट, आप अपना क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, उसके साथ में भी ये ड्रेस पहन सकते हो आप, और ये बहुत ही टू इन वन ये ड्रेस आप बना सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप जो है इसका कुछ फ्रंट अगर मैं दिखाऊँ इस तरीके से है, तो आगे से ये थोड़ा सा ब्रॉड वी नेक में है और पीछे इसके ऐसे पतले स्ट्रिप्स दिए हुए हैं और एडजस्टेबल नहीं है ये स्ट्रिप्स, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने साइज के हिसाब से मंगाओगे तो। और यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा स्ट्रेच इसका जो है ये एरिया दिया हुआ है, बाकी आपको फ्लेयर्ड दिया हुआ है। सामने से अगर मैं बात करूँ तो नेक जो वी नेक है उस वी नेक है उसके इधर नीचे ये बटन्स लगाए हुए हैं और बटन्स लगाने के बाद नीचे आपको कुछ इस तरीके से ये एक ओपन एरिया मिल जाएगा। अंदर ये जो है ये इनर लगा करके दिया हुआ है इन्होंने, तो ये काफ़ी एक स्मार्ट पीस देता है। अगर आप इसको इसके बॉटम के साथ में ही पहनना चाहते हो तो इसको आप जीन्स के साथ में भी पहन सकते हो, रग्ड जीन्स के साथ में भी पहन सकते हो, प्लेन ब्लू जीन्स के साथ में भी पहन सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई इस तरीके से कंट्रास्ट करती कोई कलर्ड पैंट्स हो उसके साथ में भी इसे पहन सकते हो। बहुत ही स्मार्ट ये लुक देता है। ये वाली जो ड्रेस है ये मुझे 499 की पड़ी थी। 499 मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें 500 रुपीज़ दे रहे हो तो ये ऑफकोर्स एक बार में आपकी दो चीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है, अगर आप कोई गोवा में या फिर कोई बीच पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उस ड्रेस को आप पहन करके जा सकते हैं। मेरे पास है ये पोल्का डॉट की ड्रेस। ये बेसिकली एक हाई लो ड्रेस है। हाई लो से मेरा मतलब है आगे ये नी से ऊपर तक रहती है और पीछे इसमें एक फिश टेल है बेसिकली, तो आप देख सकते हो पीछे से ये कुछ इस तरीके से फिश टेल है और सामने से ये बस इतनी है। कि अगर मैं बात करूँ तो नेक भी इसका रफल वाला है और उसमें भी स्ट्रेच इस तरीके से मिल जाता है। बहुत ही मेगा इसकी स्लीव्स हैं, यहाँ पे ये ओपन स्लीव्स हैं, यहाँ पे आपको कोई भी इसमें स्ट्रेच और इलास्टिक मटेरियल का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी काफ़ी प्लेन सी पोल्का डॉट में ड्रेस है। शिफॉन इसका मटेरियल मिक्स सा है, थोड़ा जॉर्जेट का है, लेकिन इसकी जो ड्रेस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अंदर आपको एक इनर भी दिया हुआ है, इनर भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मटेरियल भी ये काफ़ी सोसो है, लेकिन ये कहीं से भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा ड्रेस को, आप पहनोगे तो ये कंफर्टेबल है काफ़ी। तो ये ड्रेस जो थी ये मैंने पहनी थी मालदीव्स में, ये मैं अपने हनीमून पर लेकर के गई थी, तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है बीच के लिए। ये मुझे 425 रुपीज़ की पड़ी थी, 425 रुपये की ये ड्रेस मुझे पड़ी थी फ्लिपकार्ट से। यू कैन गो फॉर दिस, ये काफ़ी स्मार्ट लुक देता है आपको। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ड्रेस फॉर द वीडियो। अगर आप किसी डिनर डेट पर जा रहे हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको कोई रेड सा आउटफिट चाहिए, लेकिन आप एकदम चटक लाल नहीं चाहते, चेरी रेड की तरह अगर कुछ आउटफिट चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। ये बॉडीकॉन की तरह ही है, अगेन इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेन चेरी रेड ड्रेस और इस तरीके से कुछ हल्का सा मैं अभी आपको पीछे का दिखा रही हूँ। पीछे बिल्कुल इस तरीके का प्लेन आता है, लेकिन अगर आप इसके फ्रंट की बात करें तो आपको इसमें डबल ये रफल्स देखने मिलेंगे और ये जो है ये ऑफ शोल्डर है, लेकिन इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसपेरेंट जो है ये इस तरीके से स्ट्रिप दी हुई है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बार बार गिर रही है, तो आप इसको पहन सकते हैं। इसके नीचे मैंने जो पहनी थी मैंने ट्यूब ब्रा पहनी थी, तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी पहन सकते हो। आप एक काम भी कर सकते हो, ट्यूब ब्रा अगर आपके पास में नहीं है, नॉर्मल डिटैचेबल वाली स्ट्रैप वाली है, तो इस साइड का जो स्ट्रैप है आप उसको डिटैच कर सकते हो, यहाँ से वो सपोर्ट देगा और यहाँ से ये जो ड्रेस का ट्रांसपेरेंट वाला है आप इसको इस तरीके से पहन सकते हो। तो ये ड्रेस काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। मेरे पास पिक्चर होगी इस ड्रेस में तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं इंसर्ट कर दूँगी। तो ये वाली जो ड्रेस थी ये मुझे पड़ी थी 450 रुपीज़ की,
450 रुपये में मैंने ये वाली ड्रेस खरीदी। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ चुनी हुई 6 ड्रेसेस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये ड्रेस मेरी तरफ से सारी की सारी बेस्ट है, ऑन पॉइंट है। अगर आप इनको किसी भी डिफरेंट ओकेजन्स के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी रिकमेंडेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।